राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद वंदन नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न की थी। छह प्रश्न में जो दूसरी प्रश्न थी, नीचे रख लो बताते हैं, नहीं तो इधर दे दो ठाकुर को। हरि बोल, मेरे को बता। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल ब्रज कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी इतना भोजन मेरे को बताएंगे कौन भोजन बताए। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग। Hare 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 Hare
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Bolo Hare Rama. Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Bol Hare Bol Hare Bol Hare Bol Hare 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 Bol Hare 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 Bol Hare Bol Hare Bol Hare Bol Hare Bol Hare 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 Bol Radhe Radhe Deva Tujhke Radhe Radhe Manak Deve 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 Radhe Radhe Manak Radhe 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 श्रवण कर रहे थे कहते सौम्यता ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न की थी। कहते छह प्रश्न में जो दूसरी प्रश्न थी कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, इसलिए श्री सुत गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं। बोले भगवान को पता है कलयुग का जीव इतना कठोर साधन कर ही नहीं सकता, इसलिए सबसे सरल उपाय रख दिया, हाथों में जो कुछ कर ठाकुर को सेवा मान कर करो और हाथों में काम करो और भगवान का नाम मुंह से ठाकुर का नाम लो। इसलिए हाथों में काम और मुंह से जोर से बोलो भगवान का नाम। इसलिए ज्यादा परिश्रम करने का कलयुग में कोई जरूरत नहीं। इसलिए बोले एतत् निर्दित्य मानानम् इच्छताम अकोतमयम् जोगिनाम निपनिर्मित हरि नामानुकीर्तनम्। बोले हरि का नाम को कौन कौन ले सकते हैं? पहला नंबर बताए बोले एतत् निर्दित्य मानानम्। अगर कोई बोले नहीं हम संसार में पड़े हुए ना हम ही करेंगे, बोले नहीं। कहते जो संपूर्ण रूप में संसार से मुक्त हो चुके हैं, जैसे बड़े बड़े साधु संत जैसे श्री भोले बाबा, कहते हर समय शंकर जी पंचमुह में भगवान के नाम जप करते। माता जी को देखना है, उनका आठ हाथों में एक हाथ में माला की झोली है, इसलिए माता भी भगवान के नाम जप करते हैं। कहते श्री गणेश जी कहते वो भी भगवान के नाम जप करते हैं। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी बोले ये भी भगवान के नाम जप करते हैं। इसलिए श्री नारद जी हर समय वीणा में ठाकुर जी की नाम हर समय नारद जी भगवान के नाम जप करते हैं। इसलिए जो संसार से मुक्त हो गए वो भी भगवान के नाम लेते हैं। और कौन नाम करते हैं? बोले अकूत भयम्। अगर जीवन में कोई निर्विघ्न में जीवन में कोई अगर शांति सुख पाना चाहते हैं, जीवन में अगर कोई भय नहीं चाहते हैं,
क्या करे वो भी भगवान की नाम जप करे। बोले इत्यत निर्भिद मानानाम इच्छताम अकुत भयम, बोले जोगी नाम नृप निर्मित। बोले जितने बड़े बड़े संत हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, अगर हम उसको मंथन करेंगे ना, उसमें क्या निकलेगा, मक्खन क्या निकलेगा, बोले भगवान का नाम। देखो एक सुंदर कथा सुनो। जब श्री वाल्मीकि ने ये रामायण ग्रंथ को बनाए, बोलिए वाल्मीकि ये रामायण में 100,000 श्लोक है। अभी ये रामायण को लेकर के देवता दैत्य और मानव में लड़ाई शुरू हो गई। देवता लोग कहते हम लेंगे, दैत्य लोग कहते ये रामायण हम लेंगे, और जो मानव है कहते भाई हमें ये रामायण चाहिए। अभी तीनों में लड़ाई हुई। बोले भैया लड़ करके कोई लाभ नहीं, एक काम करो जिनका ग्रंथ है चल उनके पास में चलते हैं। बोले रामायण सर्वप्रथम किसने लिखे हैं, बोले श्री शंकर जी। सबसे पहले हृदय में शंकर जी हृदय में रचना करके लिखे, उसको बाद में वाल्मीकि लिखे, लेकिन शंकर जी हृदय में। ये भागवत कौन कहाँ पर किसको सुनाया, अमरनाथ में शंकर जी पार्वती को ये अमर कथा सुनाए। जितने ग्रंथ का मालिक कौन है, इसने भोले बाबा, कौन है भोले बाबा। बोले चलो शंकर जी को पास में चलते हैं, शंकर जी इसका मीमांसा करेंगे। शंकर जी बोले देखो झगड़ा करके कोई लाभ नहीं, ये रामायण को मैं तीनों को अंदर में बांट दूंगा, बैठ जाओ सबके सब। अभी तीनों बैठ गए, अभी उसमें 100,000 श्लोक है। 100,000 श्लोक को सबसे पहले उनने 30,000 तीनों को बांट दिया। बताओ कितना बाकी रह जाएगा, बोलो बच्चे कितना बाकी रह जाएगी, कितना उधर है 10,000। फिर 10,000 को तीन, फिर उन्होंने क्या किया 10,000 को 3,000 बांट दिया, कितना रह जाएगा 1,000। फिर 1,000 को 300 बांट दिया, कितना रह जाएगा 100। फिर 100 को उन्होंने 30 कर दिया, कितना रह जाएगा 10। 10 को फिर उन्होंने 3 श्लोक दे दिया, कितना रह जाएगा 1। कहते एक श्लोक में 4 चरण होता है, एक चरण में 8 अक्षर है। फिर उन्होंने बंटवारा करवाया एक श्लोक को, एक चरण दिया, रह गया एक चरण। मतलब एक चरण में 8 अक्षर, अगर 8 अक्षर को फिर 2 दे दिया, कितना रह जाएगा बाद में, बोले 2 रह गया। शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतना कष्ट किया, मेरे को तो कुछ मिलनी चाहिए ना, ये जो 2 अक्षर मेरे को दे दो। बोले वो 2 अक्षर क्या है, कृष्णा नहीं तो राम, कृष्णा नहीं तो राम। इसलिए शंकर जी ये 2 अक्षर को अपना कंठ में उन्होंने धारण कर लिया। इसलिए शंकर जी का तो पंच मुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। इसलिए शंकर जी पंच मुख में हर समय क्या करते हैं, भगवान के नाम को जप करते हैं। अगर सारे शास्त्र को अगर मंथन करेंगे ना, क्या निकलेगा लास्ट में, भगवान के नाम ही निकलेगा। अगर कोई जीवन में ठाकुर का नाम कोई जप कर ले, कुछ करने का जरूरत नहीं, क्या करो ठाकुर की केवल नाम ही जप कर लो ना, समझो हमने सारे वेद वेदांत उपनिषद हमने सब कुछ हमने पढ़ लिया। अगर सारे शास्त्र को तुमने पढ़ लिया लेकिन भगवान के नाम ही नहीं जप कर रहे हो, भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं, समझो सब पढ़ाई पढ़ाई तुम्हारे से बेकार है, सबके सब धराए की धराए। ठीक है ना, क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, आप बोलो मैं सुनूंगा जोर से, और कुछ कुछ माताएं अभी भी बोल नहीं रही। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री हरि नाम
नाम संकीर्तन की जय जय श्री राधे। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले भगवान ने युग युग में अवतीर्ण होकर क्या करते हैं, जब वेद ब्राह्मण गो पृथ्वी को ऊपर में कोई अत्याचार हो, भगवान अवतीर्ण होकर के धर्मों को रक्षा करते हैं और अधर्म को भगवान विनाश करते हैं। इसलिए भागवत में भगवान की 26 अवतार की कथा ही है। भगवान जो सर्वप्रथम अवतार ठाकुर जी लिए हैं, यदि ये चतुष्सन रूप में भगवान जगत में आए, यदि ये ब्रह्मा के चार ये मानस पुत्र है, सृष्टि का पहला है। जब उन्होंने चतुष्सन को ब्रह्मा जी सृष्टि की, बोले देखो भगवान का आदेश है, ये संसार का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ, सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। चतुष्सन ने कहा पिताजी हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, ये घर गृहस्थी बड़े समस्या बड़े दुखमय, हम तो चाहते हैं ठाकुर का भजन भक्ति करे और संसार से पार हो जाए। बोले क्या भगवान का निर्देश है संसार करना और तुम कहते हो संसार नहीं करोगे? बोले अगर घर गृहस्थ नहीं करोगे ना, अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे होकर के जन्म लिए, जाओ मैं अभिशाप देता हूँ, जीवन भर ही छोटे बच्चे ही बने रहोगे, कोई बड़े ही नहीं होगे। बड़े बन करके कोई शादीशुदा करते ना, इसलिए हर समय 5 साल का ही बने रहो। चतुष्सन ने कहा पिताजी ये थोड़ी अभिशाप, ये तो वरदान है। क्यों? देखना संसार की जितना बोझ है बच्चों के ऊपर क्या है, सबके सब बड़ों को ऊपर है। बोले भैया बच्चे रहेंगे ना मस्ती से खेलते कूदते रहेंगे, कोई संसार की झंझट नहीं है, और जितने संसार की बोझ सबके सब घर में बड़ों को ऊपर में। इसलिए ये चतुष्सन क्या करते हैं, 3 रात प्रभु की भजन और कीर्तन कथा में मस्त रहते हैं। अगर कोई कथा सुनाने वाले हो तब चतुष्सन कथा सुना देंगे, अगर कोई सुनने वाले नहीं हो फिर चतुष्सन क्या करते हैं, तीनों भाई तो सामने बैठ जाएंगे और एक भाई व्यास गद्दी पर बैठ जाएगा, फिर तो कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। कहते ये भगवान की पहला अवतार है। कहते ठाकुर का दूसरा अवतार क्या, बोले भगवान श्री वराह भगवान रूप में आए। बोले श्री वराह भगवान की, हाँ देखो ध्यान देखो सुनो, कहते ये शाम का टाइम में हमें 4 काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए, कितना, 4। क्या क्या 4 काम नहीं करनी चाहिए? पहला नंबर भोजन नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शाम का समय में भोजन करेगा ना, हर समय बीमारी रहेगा, पेट का रोग उसको जरूर होगा, कभी शाम को खाना नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज, कभी सोनी नहीं चाहिए। अगर शाम का समय में जो सोएगा वो दरिद्र बनकर रहेगा, घर में माँ लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं होगी, लक्ष्मी घर से चली जाएगी। इसलिए शाम को क्या नहीं करनी चाहिए, सोनी नहीं चाहिए। बोले तीसरा काम नहीं करनी चाहिए, बोले क्या, बोले पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शाम का समय में पढ़ाई करे ना, इसलिए कभी कभी कहते हैं ना बच्चा तो घर में ठीक पढ़ता है लेकिन जब पेपर देने जाता है सब भूल जाता है, इसका मतलब उसका जो पढ़ाई का समय चेंज करना पड़ेगा। इसलिए शाम का समय पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे, इसलिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और जो चौथा काम क्या नहीं करनी चाहिए, कहते हैं पत्नी को साथ में नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए हम आगे सुनेंगे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप क्यों जन्म हुई है, ये 2 राक्षस क्यों हुए हैं। कहते श्री कश्यप ऋषि के एक पत्नी थी जिसका नाम थी दीप्ति। शाम का समय में उसने बड़ी सुंदर श्रृंगार की और शीशा को सामने खड़ी हो गई और अपना रूप को जब उन्होंने देखी, रूप देख करके हृदय में संसार की वासना आई। उसने अपना पति कश्यप जी से बोले, कश्यप जी ने कहा देखो दीप्ति ये समय अच्छी समय नहीं है, क्योंकि शाम का समय में श्री शंकर जी अपना गणों को लेकर के भूत पिशाच को लेकर भ्रमण करते हैं, इसलिए ये समय अच्छी नहीं है,
इसलिए मेरे से तुम मत मिला करो। लेकिन दित्ती इतने कामातुर हो गई थी, उसने पति की बात ही नहीं सुनी, जोर जबरदस्ती पति को साथ मिली। पति ने कहा, देखो तुमने अच्छा काम नहीं किया है, तुम्हारे पेट में राक्षस जन्म लेंगे। इसलिए उसको गर्भ में हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु ये दो दैत्य जन्म ग्रहण किए। लेकिन बाद में दित्ती समझ गई, मैंने जो काम किया अच्छा काम नहीं किया। फिर पति को पास में माफी मांगी, बोले मेरे अपराध को दूर कर दो, मेरी गलती हो गई। कश्यप जी बोले, ठीक है, तेरे बेटे तो बन गए राक्षस, कि तू बेटा का जो बेटा बनेगा ना, वो भगवान के भक्त होकर जन्म लेगा। फिर ये हिरण्यकश्यप का बेटा श्री प्रहलाद बन करके आते, और इतने बड़े ये भक्त बने, इतने बड़े संत बने। हम कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वो इतने बड़े भक्त बने। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद बेटा बताओ तेरे भगवान कहाँ पर है, प्रहलाद ने कहा, ये बताओ मेरे भगवान है कहाँ, नहीं तो बताओ। बोले, ये खंभे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है प्रभु बैठे हुए, सचमुच से भगवान स्वयं प्रकट, नरसिंहदेव प्रकट हो गए। और हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टि का घात मारे और पिलर फट गया, और साक्षात नरसिंह भगवान जन्म हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान। इसलिए कहते ये भगवान की जो तीसरा अवतार है, कहते कौन है, बोले श्री भगवान वराह। बोले जिस समय श्री सृष्टि की प्रारंभ होने जा रहा था, अभी सृष्टि है ही नहीं, पृथ्वी है ही नहीं, ये हिरण्याक्ष ने ये पृथ्वी को रसातल में पहुंचा दिया था। इतने में ब्रह्मा जी छींके, उनको नासिका से एक मच्छर जैसे एक प्राणी सृष्टि हुआ, और देखते 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 उसने विशाल रूप धारण किया। तो नहीं भगवान से बराहत, इन्होंने पानी में छलांग लगाए और पृथ्वी को उन्होंने उधार करके ले आए। कहते ये भगवान की तीसरा अवतार। कहते भगवान की चौथा अवतार कौन है, बोले श्री नारद जी। कल सुन रहे थे ना, नारद जी से लड़ाई लगा दी थी, हैं? हम कहते थे क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या लड़ाई लगा रहे हो, नहीं ऐसे नहीं, नारद जी कभी लड़ाई नहीं लगाते। नारद तो इतने बड़े भक्त हैं, संत हैं, वो क्यों लड़ाई लगाएंगे, वो कभी लड़ाई नहीं कराते, वो ऐसे काम कराते हैं जी भगवान की कोई नई लीला प्रकट हो जाए। फिर नारद जी उसको देख देख करके आनंद अनुभव करते हैं। इसलिए विशेष करके नारद जी की चार चले हुए, दो बालक और दो वृद्ध। दो बालक कौन हुए, एक प्रहलाद और एक ध्रुव। हम आगे सुनेंगे कितने उम्र में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, 5 साल में हैं। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जनमा जनमा मोहि जत न कराए, जनमा जनमा मोहि जत न कराए, जनमा जनमा मोहि जत न कराए, कहते हैं भैया बड़े बड़े ऋषि लोग एक जन्म नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतिम समय में कहीं राम का नाम नहीं आता। देखो ध्यान देखिए, समय एक समय ये सही घटना है, एक समय एक माता जी अंतिम सज्जा में लेटी हुई, तैयारी मैयारी कर रही थी,
बोल रहे थे बेटी को देख लेना, बेटा को देख लेना, बेटी को घर में हर साल कुछ कुछ भेज, बहुत बहुत बात कर रही थी। लेकिन उनको बच्चे बता रहे थे माता जी कोई चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे। लेकिन तुझे राम राम कृष्ण कृष्ण तो बोल दे, वो बोलती है मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं नहीं बोल सकती। बोले इतनी सारी बात बता रहे हो, राम और राधे ये दो नाम निकल नहीं थी पर मुंह से। देखो उसका जो पोता था ना बड़ा चतुर था, बोले दादी जी तू क्या नहीं बोल सकती हो। वो पोता बड़ा चतुर था, वो सोचा हो सकता है बोलेगा राम राम राधे राधे नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन पोता ने बोला दादी जी तू क्या नहीं बोल सकती हो। बोले तू जो बुलवाना चाहते ना मैं वही नहीं बोल सकती। बोले राम राम राधे राधे नहीं बोल सकती, उन्होंने ये नहीं बताया राधे राधे नहीं है। बोले तू जो बुलवाना चाहते हो ना मैं वही नहीं बोल सकती। इसलिए देखना कुछ कुछ माताओं को बैठ जाएंगे, सारा दुनिया की बकवास करते रहेंगे। बोले भैया क्यों जीवन को नष्ट कर रहे हो, थोड़ा माला लेकर के राम राम बोलो। अरे माला लेकर बैठी कर कृष्ण कृष्ण राम राम तो बोल सकती हो कि नहीं कर सकती हो। इसलिए बेकार का नहीं बैठनी चाहिए, समझ रहे हो ना। ये जो जीवन हमें मिला है ये बड़े कीमत जीवन मिला, ये कोहिनूर हीरे ठाकुर हमें दिए, ये कोहिनूर हीरे ठाकुर जी दिए। इसलिए ये समय को कभी भी बर्बाद मत किया करो, ठीक है ना। बैठ करके क्या करो, बैस घर में बैठ मत रहना, सब सुन रहे कि नहीं। घर में बैस बैठ नहीं रहना, बैठो माला लेकर कम से कम राम राम राधे राधे तो बोलते रहो, ठीक है। सबके सब भगवान की नाम जब करना, बैसे बैठ के रहना नहीं, नहीं तो क्या होगा, दिमाग इधर जाएगा उधर जाएगा हैं, और फिर मुंह में फिर उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। देखो बचपन में बच्चों का प्यार में खुजली मचती है, देखना बच्चों को बैठ नहीं सकते, वो भाग दौड़ करते, क्यों प्यार में खुजली मचती है। लेकिन जब जवानी होती है ना फिर शरीर में खुजली मचती है, और बुढ़ापा में मुँह में खुजली मचती है, बिना बोले कुछ रह नहीं सकते हैं। इसलिए भैया बोलना है ना, कोई बात नहीं बोलो ना, भगवान के नाम बोलो, ठीक है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। इसलिए भगवान की जो चौथा अवतार है श्री नारद जी हुए हैं, नारद जी दो बालक और दो वृद्ध इनके चले हुए। बोले दो वृद्ध कौन है, बोले एक श्री व्यास देव जिन्होंने ये भागवत ग्रंथ को लिखे, जो ग्रंथ को हम सुन रहे हैं, और उन्होंने क्या लिखे है, बोले रामायण लिखे। ये वाल्मीकि पहले दशरथनगर में डाकू था, इसमें डाकू डालता था। जब नारद जी से मिले बोले बाबा निकालो क्या पास में, कितने माल निकालो। बोले भैया हम तो संत हैं, हमारा पास में लोटे सोटे और लंगोटे यही थी और कुछ। बोले जो कुछ निकालो। बोले ये बताओ तुम जो ये पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो ये पाप को कौन लेगा। बोले मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरे पिता माता, बोले कोई नहीं लेने वाले हैं, ये सबके सब तुमको लेना पड़ेगा। ये सबके सब सुख में तेरे साथ दे रहे हैं, दुख में कोई नहीं रहेगा, जा कुछ करके गया। पत्नी से पूछा बोले पाप कर्म करके जो पैसा कमाता हूँ तू लेगी कि नहीं। बोले क्यों, बाहर का काम तेरा घर का काम है। बच्चों से पूछे, बच्चों ने बोले देखो अभी हम बच्चे हैं, अभी तो हमारी पढ़ाई लिखाई करने का समय है, जब हम बड़े बन करके पैसा कमाएंगे फिर हम सोचेंगे पैसे कैसे हम पैसा कमा रहे हैं। फिर पूछे पिता माता को, बोले तुमको जन्म दिया पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, पैसा मैंने कैसे कमाया ये मेरे को पता, तू कैसे कमा रहे हो तेरे को मेरे को पता नहीं। बोले भैया बाबा तो सही बता रहे थे, ये तो कोई भी पाप लेने के लिए तैयार नहीं, ये सब सुख का समय साथ दे रहे हैं। इसलिए फिर वापस आया, बोले बाबा आपने सही बताया, ये कोई भी पाप लेने तैयार नहीं, सब पुण्य लेने के लिए तैयार, बताओ कैसे पाप से मुक्ति होगी। बोले देखो बेटा
भगवान के नाम जप करें। भगवान के नाम से ही हैं, भगवत नाम से ही तुम्हारी जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाएगा, इसलिए भगवान के नाम जप करो। लेकिन वो इतना बड़ा पापी था जिसका मुंह से प्रभु का नाम ही नहीं निकला। देखना पापियों को मुंह से भगवान के नाम ही नहीं निकलती। दिन भर बैठ करके दुनिया की बात करेंगे लेकिन बोलो थोड़ा ठाकुर का नाम लो बोली वो नहीं बोल सकते, वही नहीं निकलेगा मुंह से। इसलिए जो करोड़ों करोड़ों जन्म का जो पुण्य किया है ना उसकी मुंह से प्रभु का नाम निकलेगा, वही प्रभु का नाम ले सकते हैं। इसलिए कल मैंने बताया था जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेते हैं उनका तीन काम हो जाता है। किसको याद बोला था बोलो, किस पर बच्चे बताओ, बड़े बुढ़ों को तो याद नहीं होगी, बच्चे लोग बताओ जो भगवान के नाम जब करते हैं उनका तीन काम अपने आप हो जाता है। कौन बोलेगा बोलो, बच्चे लोग बोलो, तो लिखाई पढ़ाई इतना क्यों किस लिए किया, भगवान की कोई नाम याद नहीं रखो, बोलो कौन बोलेगा बोलो, किसको याद है? तो तुम उस कथा नहीं सुनते हो कल से? अच्छा अभी जाकर एक कागज ले आओ, एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठे यहाँ पर, इधर उधर घूमना नहीं, जो आज तो उतारना तो उतारना, ठीक है? किसको याद है आज बताता हूँ फिर मेरे कल बताना, ठीक है? भगवान के नाम जप करने से तीन काम हो जाता है। पहला काम है नरक में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले रजिस्टर ले कापी लेकर के आओ, बोले क्यों, बोले इसका नाम को काट दो, क्योंकि ये भगवान के नाम जप करना शुरू कर दिया अब ये कभी नरक नहीं आएगा। दूसरा काम क्या है, गोलक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है कापी लाओ, बोले क्यों, बोले इसका नाम को लिख दो, ठाकुर का नाम ले रहा है अब निश्चित रूप में गोलक वैकुंठ गोलक वृंदावन आएगा, कभी नरक नहीं जाएगा। और तीसरा काम किया, बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती का जो थाला है ना वो सजाना शुरू कर देते हैं, बोले क्यों, बोले ये जो वैकुंठ जाएगा सब लोगों को पार करते करते ब्रह्म लोगों को भी पार करते करते जाएगा, जब जाएगा उसको मैं आरती उतारूंगा, उसको मैं आरती उतारूंगा ब्रह्मा जी, समझ रहे हो? इसलिए जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं इतने पुण्य है, ठीक है ना? सब सब क्या करना, भगवान की नाम जप करना, बैठ करके इधर उधर गप्पे नहीं मारने का, ठीक है ना? गप्पे नहीं मारना। देखो यहाँ पर कुछ गोपियां, देखो भगवान के नाम जप, देखो देखो माता जी नाम जप कर रहे हैं, वो माता जी जप कर रहे हैं, देखो बीच बीच वो माता जी भी नाम जप कर रही, भगवान की माला कर रहे हैं, यहाँ भी करना और घर में भी करना, ठीक है ना? देखो कम से कम कथा सुन करके हम इतने कष्ट करूँगा कुछ ना कुछ फल होनी चाहिए ना, हम चाहते हैं तुम्हारी घर ही वृंदावन बन जाए। घर क्या बन जाए, हाँ जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा भगवान के नाम हो, बच्चे ठाकुर का नाम जप करे, आप भी नाम जप करते हो ना, कहते तो वो घर नहीं है वही गोलक वृंदावन। हम चाहते सचमुच से जो आली गांव है ना वो आली बन जाए, आली मतलब सखी है, हैं? सखी मतलब राधा रानी की दासी है, हम चाहते हैं सचमुच से तुम्हारी आली गांव पूरा गोपियों की गांव बन जाए, घर घर में कीर्तन, घर घर में भक्ति, घर घर में ठाकुर को पूजा, घर घर में भगवान की नाम कीर्तन हो, तो तुम्हारी आली गांव भगवान की धाम बन जाएगी, वृंदावन बन जाएगी, ठीक है ना? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कोई जयकार नहीं दे रहे, जोर से बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए श्री नारद जी कहते ये भगवान की, ये भगवान की चौथा अवतार, श्री नारद जी कहते भगवान की जो पंचम अवतार कौन है, बोले श्री नर नारायण। ये नर नारायण ये बद्री का आश्रम पर ये भगवान की भक्ति तपस्या कर रहे हैं, बोले भैया तपस्या तो जीव करता है पर ये भगवान की तपस्या कर रहे हैं, बोले कारण है भगवान ने देखा कलियुग का जो जीव है ना इतने तपस्या कर ही नहीं सकता है, अगर कोई कष्ट करके बद्रीनाथ आए और केवल मेरे को दर्शन कर ले, मेरे को दर्शन मात्र से ही मैं जो यहाँ तपस्या कर रहा हूँ इसका छठवां भाग का फल उसको अपने आप मिल जाएगा,
इसलिए अगर एक बार बद्रीनाथ कोई जाए, कौन कौन गए थे? माता जी वाले में गए थे, बाबा गए और कोई नहीं गई बद्रीनाथ, हम काम ले जाएंगे, हम सब काम बद्रीनाथ ले जाएंगे। कहाँ जानते हो? ये वृंदावन है, इसलिए वो जो बद्रीनाथ है ना, 10 दिन जाओ केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, फिर तो 10 दिन में दर्शन होता है। लेकिन वृंदावन में एक आदि केदार है, कृष्ण ये ब्रजवासियों को लेकर के दर्शन कराए थे, हाँ, उसको दर्शन करने पर वो केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करने का फल मिल जाता है। अब तो हम सब वृंदावन में सब दर्शन कराएंगे, ठीक है। बोले श्री बद्री विशाल की, बोले श्री बद्रीनाथ की। इसलिए भगवान की उन्होंने भगवान के 24 अवतार की कथा सुनाए, भगवान के इस मत से अवतार लिया। बोले क्यों? बोले जिस समय शंखासुर ने ये 4 वेद को हरण करके ले गया था, भगवान ने मत्स्य अवतार को उद्धार किया। कुर्मा अवतार में जब समुद्र मंथन हो रही थी, भगवान ने अपना पीठ के ऊपर में उन्होंने श्री मंदाराचल पर्वत को धारण किया है, और ऐसे ही उन्होंने भगवान के 24 अवतार की कथा सुनाई। कथा सुनाते सुनाते उन्होंने ये भी सुनाए, बोले जो भगवान जो कृष्ण है ना, ये भी एक अवतार है, कृष्ण एक अवतार। इसलिए सुत गोस्वामी ने देखा मैंने तो गलती कर दी। बोले क्यों? मैंने बोल दिया कृष्ण भी अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतार। बोले अवतारी का मतलब क्या? बोले जिनसे ये सारे अवतार आते हैं, ये मूल है भगवान श्री कृष्ण चंद्र। देखो जो लड्डू गोपाल तुम्हारी घर में है ना, आप लोग घर से लड्डू गोपाल है ना, वो देखने में लगता है बड़े छोटे हैं, लेकिन ये बड़े खोटे हैं। वो छोटे नहीं, ये बड़े खोटे हैं। वो देखने में लगता जैसे ये लड्डू गोपाल हैं, लेकिन विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है ना, यही है। हम आगे सुनेंगे इंद्र भी जिनकी चरण में आकर के माफी मांगे, ब्रह्मा भी आकर के जिनकी चरण में माफी मांगे, इंद्र चंद्र वायु वरुण जिनकी चरण में आकर के माफी मांगते हैं। इसलिए जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण है। जब कोई व्यक्ति ये कृष्ण को भक्ति कर ले, भगवान कृष्ण को पूजा कर ले लड्डू गोपाल की, बोले एक ब्रह्मांड नहीं, एक देवादेवी नहीं, कहते वो 33 करोड़ देवादेवी की पूजा कर लिया, सबको पूजा कर लिया, समझ रहे हो। इसलिए जब भगवान की भक्ति करो ना, फिर हमको इधर उधर और नहीं भटकनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं ना, जैसे लड्डू गोपाल को पूजा करते हैं, अगर थोड़ी इधर उधर हो जाए ना, फिर उसी देवता के पास में, फिर उसी देवी के पास में भागते, नहीं, कहीं नहीं जानी चाहिए। सब कुछ देने वाले हमारी गोपाल है, और हमारे गुजरों का देवता कौन है? बोले श्री गिरिराज बाबा। कौन है? और मोहन बाबा भी है ना, ये मोहन तो वही कृष्ण है ना, कृष्ण का नाम ही मोहन है। इसलिए आपका जो देवता मोहन है, और हमारे श्री गिरिराज बाबा, और ये जो लड्डू गोपाल है ना, ये ही तुम्हारे देवता, और कोई देवता नहीं है। इसलिए एकनिष्ठ होकर के इनकी भक्ति करो, इधर उधर भागो मत। इधर उधर भागोगे ना, कृष्ण तुमको त्याग दे देगा, हैं? इसलिए आप महाभारत देखे होंगे, मन लगा कर सुनो। महाभारत में जिस समय अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, इतने में कृष्ण विश्वरूप उन्होंने बताया, ब्रह्मांड रूप दिखाया। बोले अर्जुन देख मेरे को, मैं कौन हूं? जिसको तू शंकर कह रहे हो, देखो मेरे अंदर वो शंकर है। जिसको तुम माँ देवी कहते हो, देखो वो देवी भी मेरे अंदर में। जिसको तुम गणेश कहते हो, देखो मेरे में। जिसको तू हनुमान कहते हो, देखो मेरे में। जिसको तू इंद्र चंद्र कहते हो, देख अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड मेरे में ही है, दुनिया मेरे अंदर में। जब तुम कृष्ण को प्रणाम कर लिया ना, लड्डू गोपाल को, 33 करोड़ देवता की पूजा अपने आप तुम्हारी हो गई, सारे देवादेव की पूजा अपने आप होगी। क्यों? इनके अंदर में विश्व ब्रह्मांड, इनके अंदर में। नहीं तो आज इसको पूजा करके छोड़ करके दूसरों को, फिर तीसरे को, चौथे को भटकते रहोगे, कितने को मनाओगे? एक मनाओगे तो दूसरे मुंह खुला कर बैठ जाएगा, दूसरे को मनाओगे तो तीसरे मुंह खुला कर बैठ जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण को मना लिया ना, कहते जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई,
जिसको ऊपर में हरि की कृपा हो जाती है उसको ऊपर में सबकी ही कृपा हो जाती है। इसलिए एकनिष्ठ होकर के भगवान कृष्ण को ही भक्ति करनी चाहिए, इधर उधर हमें भटकने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले श्री गिरिराज बाबा की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो इसलिए जैसे भगवान कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है, कहते उनका जो नाम है ना वो भी पूर्ण है। देखो ध्यान देकर सुनो, हम सबके सब ये चाहते हैं परिश्रम कम हो और माल ज्यादा मिले, हम यही चाहते ना, परिश्रम कम हो और ज्यादा माल, सब यही चाहते हैं, परिश्रम कम हो ज्यादा पैसा मिले। देखो इसमें एक समय श्री शंकर जी को माता पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नाम लेनी चाहिए। तब शंकर जी कहते पार्वती आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम, ये शंकर स्वयं कहते हैं। बोले जितने आराधना में जो भगवान विष्णु का जो आराधना पार्वती सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए एक विष्णु सहस्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम, तभी तो माता पार्वती 1000 नाम लेती थी। अभी 1000 नाम लेने के लिए समय भी चाहिए। जब पार्वती ने कुछ दिन तक 1000 नाम की, एक दिन शंकर जी पार्वती को बुलाए, बोले पार्वती तुमको और एक सरल उपाय बताता हूं, जो परिश्रम कम करोगे और ज्यादा फल मिलेगा। बोले प्रभु बताओ। बोले ये विष्णु सहस्र नाम में एक श्लोक है, वो श्लोक में बताए, बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। माँ पार्वती बड़ी सुंदरी है, बोले हे सुंदरी पार्वती अगर कोई विष्णु सहस्र नाम को एक बार कर, ध्यान देकर सुना, इधर उधर मत देखा करो, कोई एक माता जी साड़ी पहन करके आ जाए ना, सब उसको तरफ देखने लग जाते हैं, कैसे साड़ी पहन करके आई, जैसे साड़ी जिंदगी में देखे नहीं, ध्यान देकर सुना इधर। इसलिए बोले देखो पार्वती जो विष्णु सहस्र नाम को जो एक बार ग्रहण करे, मतलब 1000 विष्णु का नाम लेने से जो फल है, हर एक बार से राम का नाम ले लेना पार्वती, उसको यही फल मिलेगा। पार्वती बोली प्रभु फिर तो मैं राम का नाम लूं। बोले हाँ पार्वती, राम नाम बड़ा मीठा नाम है, बड़ा मधुर नाम है। तब से माता पार्वती रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम, जय रघुपति राघव रघुपति राजा राम पति पावन सीता तभी से माँ पार्वती प्रभु राम के नाम लेती थी। कुछ दिन बाद में शंकर जी फैल बुलाए पार्वती को, बोले पार्वती इधर आओ। बोले क्या बात है। बोले देखो ये जो राम नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है जिसमें कम परिश्रम में ज्यादा फल मिलेगा। बोले प्रभु किसका नाम है। देखो ये श्लोक है, बोले सहस्रा नाम नाम पुण्या नाम त्रिराधिकल एक कृष्ण से नाम प्रजति। इसका मतलब है अगर ये विष्णु सहस्र नाम को कोई 3 बार बोले, मतलब अगर कोई 3000 विष्णु का नाम ले और एक बार केवल ये कृष्ण नाम को ले ले, कहते एक कृष्ण नाम समान 3000 विष्णु नाम और 3 बार राम का नाम लेना फल मिलता है।
क्योंकि जो कृष्ण है ना, जो लड्डू गोपाल तुम घर में पूजा करते हो, ये 16 कला में अगर परिपूर्ण तो कौन है? ये कन्हैया है। ये 16 कला में परिपूर्ण जो राम है वो 12 कला में, जो नारायण है और कुछ कला में, लेकिन जो पूर्ण है ना, ये तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल है, ये सारे छोटे नहीं है, बड़े छोटे सब इनकी आशीर्वाद से सब हो रहा है। ये वाक्य भी यार साधारण नहीं। इसलिए अगर तुम प्रभु का कृष्ण का नाम लोगे तो 3000 विष्णु नाम लेने का फल मिल जाएगी। बोले प्रभु फिर तुम्हें कृष्ण का नाम लो। बोले हाँ पार्वती, भगवान कन्हैया का तुम नाम लो, तुम कन्हैया की पूजा और कन्हैया के नाम लो, तभी से माँ पार्वती कृष्ण नाम लेगी। जब कुछ दिन तक कृष्ण नाम ली, फिर शंकर जी फिर बुलाए, बोले पार्वती ये कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम। बोले आप ही तो बता रहे थे कुछ दिन पहले कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, वो 16 कला में परिपूर्ण कृष्ण है, फिर कह रहे हो कृष्ण नाम से भी श्रेष्ठ नाम। बोले मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये कृष्ण स्वयं बोले। बोले किसको? बोले चंद्रमा को ये बात बताए थे। बोले क्या चंद्रमा को बताए? बोले मम नाम सत्यनापि, ध्यान दे कृष्ण, बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदुतम जग करोति सदा राधा ना जाने महिमा किंतम। कहते अगर किसी ने एक बार राधा जी का नाम ले ले, कहते एक राधा नाम के समान, कहते कृष्ण का अगर कोई 100 नाम लेता है, कितना नाम लेता है कृष्ण के, अगर कोई 100 बार कृष्ण का नाम ले, अगर एक बार श्री राधा जी का नाम ले ले तो कृष्ण का 100 नाम के बराबर एक राधा जी का नाम है। ये कृष्ण स्वयं चंद्रमा को ये बात बताए। इसलिए आप देखना वृंदावन में जाओगे ना, देखना किसी को भी कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं मिलेगा। बताओ तो वृंदावन में किसका नाम लेते हैं? अरे जोर से बोलो, और जोर से, आवाज सही नहीं आ रही, और जोर से। इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। अभी देखो ध्यान देखो सुना, अभी पार्वती बोली प्रभु अगर एक राधा जी का नाम समान कृष्ण कृष्ण का 100 नाम, फिर तो राधा ही बोलो, कृष्ण ही बोले भी नहीं, केवल राधे ही राधे राधे। लेकिन शंकर जी बोले पार्वती इसमें भी एक रहस्य है। बोले फिर क्या रहस्य है? आप तो खुद बताए अगर 100 कृष्ण नाम एक राधा नाम के समान, फिर तो राधे 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 बोले। बोले इसमें रहस्य। बोले क्या? बोले अगर तू राधे राधे बोलोगे ना, इसलिए कहते हैं ना राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी बोलू रानी चंचल बिहारी, राधा रानी बोली बोली चंचल बिहारी, राधा रानी गंगा को धार है बिहारी, राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधा रानी चंदा को सतर बिहारी, राधा रानी चंदा सतर है बिहारी, राधा रानी चंदा चोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चोर है बिहारी, राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। हरे कृष्णा। अब लोग कथा सुन रहे कि नहीं? कौन कौन कथा सुन रहे हैं? सब सुन रहे हैं, ध्यान लगा कर सुना। इसलिए बोले राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी,
बोला अगर राधा जी का नाम लोगे ना वहां राधा रानी नहीं आएगी, वहां पर कौन आएगी? कृष्ण आएगी। अगर तुम कृष्ण का नाम लोगे ना फिर वहां पर राधा रानी आएगी। इसलिए राधा जी के नाम से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण नाम से राधा रानी खुश होती है, दोनों का नाम से दोनों खुश होते हैं। पार्वती बोली प्रभु जी में तो बड़े कंफ्यूज में पड़ी गई, अभी बताओ राधे राधे बोलो ना कृष्ण कृष्ण बोलो, अभी किसका नाम ले? बोले देखो दोनों का नाम लो, जुगल नाम लो। बोले कैसे? बोले हरे कृष्ण बोले हाथ उठा करके बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बोल जोर करके बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बोले इसमें राधा जी का नाम कहाँ है? तो राधे राधे तो है ही नहीं। बोले इसमें जो हरे शब्द है वो राधा जी का नाम है, वो कृष्ण के मन को प्राण को हरण करती हैं इसलिए वो हरे हैं। और कृष्ण मतलब हरे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, पहले राधा जी का नाम उसको बाद में कृष्ण का नाम। ये महामंत्र ये कलयुग का यही महामंत्र को हमें जप करनी चाहिए। अगर ये महामंत्र को जप करोगे तो क्या होगा? ध्यान देकर सुनो, फिर जो विष्णु सहस्र नाम है एक बार कृष्ण बोले तो 3000 विष्णु का नाम लेने का फल मिलेगा, एक बार कृष्ण बोले तो 3 बार राम नाम लेने का फल अपने आप मिल जाएगा। और हरे मतलब राधा रानी, राधा रानी से ये जितने दुर्गा जितने लक्ष्मी जितने सीता गीता कहाँ से प्रकट हुई है? बोले श्री राधा रानी से। जब हम राधा कृष्ण ये दोनों को पूजा कर लेते हैं, ये अनंत गोट विश्व ब्रह्मांड में जितने देवा देवी सबको पूजा अपने आप हमारी हो जाती है, फिर हमें अलग अलग भटकने का जरूरत नहीं। आज इसको पूजा करो नहीं हुआ पर दूसरे के पास में जाओ, नहीं हुआ पर तीसरे के पास में जाओ, ज्यादा भटकने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? हाँ देखो और एक चीज को अच्छी तरह से समझो, आप लोगों ने द्रौपदी का नाम सुने हो? कौन कौन द्रौपदी का नाम सुने हो? सब जानते हो। बोले एक समय द्रौपदी भगवान कृष्ण से बोली, बोले कृष्ण जब दुशासन मेरी वस्त्र हरण कर रहा था मैंने आपको बड़े देर से पुकार रही थी, लेकिन आप आने में इतने देर क्यों कर दी? कृष्ण ने कहा देखो द्रौपदी तू झूठ मत कहा कर, सही सही बता। बोले तू मेरे को दिन से पुकार रही थी? बोले दिन से नहीं क्या ऊपर पुकार रही थी? बोले तुम बताओ जिस समय दुशासन ने तेरे पास में पहुंचा जब पंचवाट में हार गई द्रौपदी को, दुर्योधन ने दुशासन को बताया दुशासन अभी ये द्रौपदी राज रानी नहीं, ये हमारी नौकरानी है, पकड़ करके ले आओ। जिस समय दुशासन द्रौपदी को ला रहा था घिसटते हुए, कृष्ण कहते हैं द्रौपदी मैंने आधा रास्ता तक तो तेरे को बचाने के लिए आया था लेकिन वापस चला गया। बोले क्यों प्रभु जी आधा रास्ता से क्यों वापस गए? बोले तुम बताओ तुम मन मन में क्या सोच रही थी? बोले मेरे 5 पति है, भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, युधिष्ठिर सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में और नकुल सहदेव जैसे तलवार युद्ध में ये पृथ्वी में कोई नहीं, इतने अच्छे तलवार युद्ध में थे। तो ये सोच रही थी जब मेरे 5 पति है ये क्या कर देगा, ये दुर्योधन दुशासन मेरा क्या करेगा, तू ये सोच रही थी ना? बोले हाँ प्रभु मैं तो ये सोच रही थी। बोले द्रौपदी जब तुम्हारी ये 5 पति रक्षा करने वाले हैं फिर मैं बीच में क्यों आता? इसलिए आधा रास्ता तक आकर के ना मैंने वापस गया। बोले द्रौपदी मैंने थोड़ा पास में भी आया था तब भी मैंने वापस गया। बोले क्यों? बोले तुमने जब भरी सभा में ले आए पहले तो पतियों को तरफ में देख रही थी लेकिन ये पति लोग तो हार चुके थे, वो सबके सब सर लटका करके बैठे हुए। फिर तुमने सोचा यहाँ पर द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म धृतराष्ट्र ये सब मेरे पिता हैं, ये मैं कुलवधू हूँ, थोड़ी मेरे को विभस्त करने के लिए थोड़ी देंगे,
ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तू सोच रही थी ना उनको तरफ में देख रही थी कि ना? बोले हाँ मैं उनको तरफ में देख रही थी। बोले द्रौपदी जब तुमको इतने सारे लोग रक्षा करने वाले में बीच में क्यों आता? इसलिए द्रौपदी में रात फिर पास से गया। बोले द्रौपदी एकदम पास में आ गया था तेरे को बचाने के लिए, तब भी मैंने वापस गया। बोले क्यों? बोले जब इन लोगों ने कुछ बोले ही नहीं फिर तू अपना कपड़े को स्वयं पकड़ कर रखी थी। बोले मैं साधारण घर के थोड़ी स्त्री हूँ, मैं अजोनी संभवा हूँ, यज्ञ से प्रकट हुई हूँ, हाँ मैं क्षत्रियानी हूँ, अपना लाज को मैं स्वयं बचा लूंगी। कपड़े को जोर करके पकड़ करके दांत को नीचे दबा कर रखी थी। बोले हाँ। बोले द्रौपदी जब तुमको रक्षा कर सकती फिर मैं क्यों आता बीच में? इसलिए मैंने वापस गया। लेकिन जब तुमने देखा पांच पांच पति भी रक्षा नहीं कर रहे, यहाँ पर कोई भी हमारे जितने गुरुवर्ग कुछ नहीं बोल रहे, तुम स्वयं तो स्वयं रक्षा नहीं कर पा रही हो, उसी समय में तूने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब जीवन हरि, हे कन्हैया तेरे सिवाय मेरे और कोई भी रक्षा करने वाले नहीं, तू ही अकेले मेरे लाज को बचा सकते हो। जब दोनों हाथ को तुमने उठाए तभी मैं वस्त्र रूप में प्रकट हो गया। 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। इसलिए दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी, ना नारी बीच कोई साड़ी है। देखो ध्यान देकर सुनो, अगर ये कन्या को छोड़ करके अगर तुम इसी देवता को पास में, अगर उसी देवी को पास में जाओगे ना, कन्या नहीं आएगा। कृष्ण पहले से तीन जगह से टेढ़े हैं। तुम अगर सीधा बनोगे ना कन्या तुम्हारे लिए सीधा बन जाएंगे, अगर तुम टेढ़ी बनोगे ना ये कन्या भी तेरे लिए टेढ़ी बन जाएगी। अगर एक दिल से एक सच हृदय से केवल मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई, अगर उनको एक निष्ठ होकर भक्ति करोगे तब तो बचाएगा, नहीं तो अगर इधर भागोगे उसी देवी उसी देवता उधर भागोगे बोले तुम भागते रहो, जाओ दुनिया में भागते रहो तुम। हाँ जब सब भागते भागते जब थक जाओगे ना अरे मेरे पास में आ जाओ, ठीक है ना। इसलिए एकनिष्ठ होकर के भगवान कृष्ण को भक्ति करनी चाहिए। सम्मान सबको दो, हृदय में केवल कृष्ण और कोई हृदय में हमारी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो विपद में कन्या नहीं आएगा रक्षा करने के लिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। तेरे हुसुंदर नैन तेरे मुख है मैं, तेरे ही मुकुट बात तेरे कछु कह गयो, कि तेरे घुमराने वाल तेरी गम घुन मान, और तेरी सी बुलाए मेरे चित को सुधार गयो, कि तेरे पगयो पर मुकुर झंकार गए, मेरे चित को सुधार, ऐसे तेरे पेड़ी को ध्यान भर माया राम, लटपटी पाप से लटपट मन ले गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी की देख छता देख छता अभी तेरे मन भय गयो लता, अरे बांके बिहारी की देख छता देख छता तेरे मन भय गयो लता पता, ओ लता पता जी लता पता, लता पता जी लता पता, अभी तेरे मन भय गयो लता पता, मेरे मन देख सका अजमेर मन भय गयो लता पता।
तो आखिर ताली बजाने से होता क्या? तो दूसरे संत बोले देखो कीर्तन में ताली बजाने से पाप निकल जाता है। तो दूसरे संत बोले भाई पाप निकल जाता तो जैसा कहा उसको तो रहने के लिए जगह चाहिए। बोले ऐसा है कीर्तन में जो ताली बजाते हैं उनका पाप निकल करके उनके सर पे बैठ जाता है जो ताली नहीं बजाते। तो क्या आप लोग पाप बैठना चाहेंगे? कोई नहीं चाहेंगे ना? तो सब लोग ताली बजा कर जाएंगे और जिसको मन करे वो डांस सकते हैं। कीर्तन में नाचना चाहिए। देखिए मीरा बाई को देखिए पग में घूंघरू बांध करके नाची थी कि नहीं है? तो कीर्तन में नाचना चाहिए। ये भक्ति का एक अंग है इसलिए सभी लोग ताली बजा कर जाएंगे। अरे देख सका Hey!
आदि भगत क्या बोलना है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, क्या बोलना है आदि भगत को? अरे नहीं बोल तो बोलो, प्रेम से बोले के सभी लोग एक बार हाथ उठा लीजिए, हाथ उठाकर बोलना है राधे राधे, प्रेम से बोल रहे हैं हाथ उठा के, अरे ताली बजा के तो गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण हो, भैया चौपाल में कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आए, अगर किसकी छोटी मोटी कोई बिजनेस हो, नहीं तो कोई छोटी मोटी काम हो ना, वो बोलेगा भैया मेरे पास में समय नहीं कथा सुनने के लिए। लेकिन उसी समय में परीक्षित महाराज वो छोटे मोटे राजा नहीं थे, वो चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब है ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर वो राजत्व कर रहे थे, पृथ्वी का राजा थे। लेकिन इन्होंने सारे काम को छोड़ करके सात सात दिन तक बैठ कर कथा सुनी। क्यों? इनको पता था भैया अगर हमारा जीवन में कल्याण होगा ना, ये भागवत कथा से ही कल्याण होगी। साधारण व्यक्ति को बोलो थोड़ी कथा में आओ, बोले हमारा समय नहीं कथा सुनने के लिए, हमारी समय नहीं। कोई बोलेगा भैया सारे काम को निपटा करके मैं आऊंगा, बोले भैया तू स्वयं निपट जाओगे, तेरे काम कभी नहीं निपटेगा। तेरे कभी काम किसका अभी निपटा है दुनिया में? ये बड़े आश्चर्य बात है, इन्होंने सारे काम को छोड़कर क्यों, किस लिए कथा सुनने बैठे? और श्री सुखदेव गोस्वामी वो भी कोई साधारण ऋषि नहीं थे, जिन्होंने मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे और जन्म होते ही जो ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए और एक जगह पर उतना समय तक टिकते थे, एक गैया को दोहन करने में जितने समय लगे उससे ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे, जो 16 साल तक मुंह ही नहीं खोले, लेकिन जब एक बार मुंह खोले ना 7 दिन तक मुंह बंद ही नहीं किए, 7 दिन तक भगवान की कथा सुनाते रहे। और आप कृपा करके ये बताओ, श्री व्यास देव ने ये भागवत ग्रंथ क्यों रचना की, इसका क्या रहस्य है, और ये व्यास देव है कौन? जब उन्होंने ये सारे प्रश्न की तब श्री सुत गोस्वामी इसकी उत्तर देते हैं, बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर दासव्याम कलया हरे। ये जो व्यास देव है ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे, ये कौन है? बोले व्यास नारायण स्वयं, ये भगवान की सत्यावेश बता रहे श्री व्यास देव। इन्होंने देखा ये कलियुग आ रहा है, कलियुग में धीरे धीरे लोगों का जो स्मरण शक्ति खत्म होती जाएगी, पहले ये ग्रंथ नहीं होता था, लोगों का इतने दिमाग होता था, जब वो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे उनको रटाते रटाते सारे वेद पुराण उपनिषद सब रटा लेते थे,
लेकिन अभी कलयुग में कोई प्योर चीज खाने के लिए मिलते नहीं, इसलिए धीरे धीरे स्मरण शक्ति ह्रास होते जाएगी। इसलिए उन्होंने ये दिव्य दृष्टि से सब चीज को देखे, देख कर के उन्होंने पहले एक वेद था, एक वेद को उन्होंने सारी वेद रूप में प्रकाशित किया। वेद मतलब होता है वेदयतीति वेद, जो भगवान को हमें जना दे। फिर उन्होंने उपनिषद रचना की। उपनिषद मतलब उप मतलब होता है पास में, निषद मतलब होता है जीव को जो भगवान के पास तक पहुंचा दे। फिर उन्होंने उपनिषद को रचना की। फिर उन्होंने अठारह पुराण रचना की। उसके बाद में देखा स्त्री शूद्रों को ये वेद में अधिकार नहीं। फिर पंचम वेद उन्होंने श्री महाभारत को लिखे, जिसमें भगवत गीता माइक वाले थोड़ी सी वेद कर दी। इसलिए उन्होंने श्री पंचम वेद श्री महाभारत को रचना की। लेकिन इतना रचना करने का बावजूद भी इनकी हृदय से शांति नहीं मिल रहा था। इनको लग रहा था मानो उसमें कुछ कमी है, लेकिन ये कमी क्या है उनको पता नहीं चल रहा था। एक दिन श्री नारद जी बिना बजाते बजाते भगवान की कीर्तन करते करते श्री नारद जी आए। बोले व्यास, लगता है तेरे मन में शांति नहीं। बोले गुरु जी आप सही बता रहे, आप गुरु है ना। गुरु मतलब क्या है? बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधकः। हमारे हृदय की अज्ञानता को जो दूर करके हृदय में दिव्य आलोक को जो संचार करते, कभी ये गुरु है। इसलिए आप तो गुरु जी हो, आप तो सब जानते हो, आप ही बताओ मेरी क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती है। तब श्री नारद जी कहते हैं, बोले जथा धर्म दयसार्था मुनि वर्ज्यानो कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्णित। बोले देखो, तुमने दूसरे दूसरे धर्म को ऊपर में जितने बढ़ा चढ़ा करके तुमने बताए, लेकिन उतना तुमने दिल खोल करके भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनाई। क्योंकि जो जीव है ना, वो जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश है। हम सत्य से भगवान की संतान हैं। इसलिए संतान होने का नाते हमारी कर्तव्य क्या है? बोले भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना है। लेकिन देखो व्यास, तुमने जो दूसरे दूसरे पुराण लिखा है ना, जैसे तुमने शिव पुराण लिखे, शिव पुराण में तुमने क्या बताया? सत्यम शिवम सुंदरम। अगर कोई शिव पुराण पढ़ लेना और किसी को पूजा नहीं करेगा शिव शिवा। देवी पुराण तुमने रचना की, बोले जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि होते हैं, जगदम्बा जग जननी। अगर कोई देवी पुराण पढ़ लेगा ना, बोले भैया मैया देवी सब कुछ, इनसे ऊपर और कोई है नहीं। जहां पर तुमने गणेश जी की महिमा गाई, बोले भैया सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। जहां पर तुमने सूर्य देवता की महिमा गाई, बोले तेज राशि जगत पते, जगत को तेज कौन देने वाले? सूर्य तो देने वाले, सूर्य ही सब कुछ। अगर ये सारे ग्रंथों को कोई सचमुच से पढ़ लेना, वो पागल बन जाएगा, वो सोच नहीं पाएगा पूजे किसको और छोड़े किसको, किसको पूजे और किसको छोड़े, वो भ्रमित हो जाएगा। फिर भविष्य में लड़ाई करेंगे, जो शिव पूजा करेगा इससे बड़ा कोई है, जो ब्रह्मा जी को पूजा करेगा इससे कोई बड़ा नहीं है। देखो कि आगे जा करके ना लड़ाई होगी सचमुच से। एक समय सुन लो, एक समय समस्त ऋषि मुनि एक जगह पर बैठे हुए थे। कुछ ऋषि शंकर जी को पूजा करते थे, कुछ ऋषि ब्रह्मा जी को और कुछ भगवान विष्णु को। अभी जो शंकर जी को पूजा करते थे, बोले भैया शंकर ही सब कुछ, सत्यम शिवम सुंदर, इनसे बड़े कोई नहीं। जो ब्रह्मा जी को पूजा करते थे, बोले भैया ब्रह्मा तो दुनिया को सृष्टि किया उन्होंने, इसलिए यही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो भगवान विष्णु को पूजा करते थे, बोले भैया जगत को पालन करने वाला ठाकुर ही है, इसलिए विष्णु से सिवाय जगत में कोई बड़े है नहीं। अभी तीनों में बड़े लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तीनों में, बोले भैया अभी क्या किया जाए? सचमुच से किसको जीवन में भक्ति करनी चाहिए, जगत में उपास्य कौन है? इसलिए उन्होंने एक ऋषि को चुना है,
इसको श्री भिगु ऋषि को चुना कि जो भिगु ऋषि बड़ा बुद्धिमान है, मतलब इनको तीनों को पास में भेजा जाए, ये परीक्षा करके बताए पूजा करनी चाहे तो किसको। आप लोग भी ध्यान से सुनो, ये भागवत की दसवें स्कंद की कथा है। भृगु जी गए, बोले कहाँ पर? भृगु जी गए श्री अपना पिता ब्रह्मा जी को पास में। अभी पिताजी को पास में जाओ तो क्या करो, कम से कम चरना छो तो। लेकिन वहां पर गए, ब्रह्मा जी देखा भृगु जी मेरे बेटा आया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए। लेकिन भृगु जी थोड़ी सी भी चरण में प्रणाम नहीं किया, अखड़ जैसे खड़े रहे। ब्रह्मा जी को तो क्रोध आया, बोले तेरे को इतना ज्ञान नहीं, सबसे पहले जाकर के पिताजी की चरण छूनी चाहिए, और अखड़ जैसे तो खड़े हो गए। उन्होंने कमंडलू से पानी उठाया, मंत्र पुत करके और भृगु जी को अभिशाप देना चाहा। इतने में जो ब्रह्मानी थी, बोले बेटे के ऊपर थोड़ी गुस्सा करते, बेटा है ना, जो कुछ होने पर तो बेटा है ना, बेटे के ऊपर थोड़ी गुस्सा करते, उनको सांत्वना की। इतने में भृगु वहां से चल पड़े, बोले कहाँ गए? बोले श्री कैलाश, श्री भोले बाबा के पास। जब गए, शंकर जी बड़े भैया, भृगु ये छोटे भैया। अभी शंकर जी ने देखा छोटा भैया आया, शंकर जी खड़े होकर के जब श्री भृगु ऋषि को आलिंगन करने जा रहे थे, इतने में भृगु जी ने कहा वहीं खड़े रहो, यहाँ मरता ना, भूत पिशाचों के साथ में रहता है, कोई पवित्रता नहीं, शरीर में बभूति लगाता है, सर्प चटा जुट शरीर अपवित्र, खबरदार वहीं पर खड़े रहो, मेरे को आलिंगन करने का जरूरत नहीं। इतना बोलते ही शंकर जी को तो बड़ा क्रोध आया, शंकर जी उठाया त्रिशूल और भृगु जी को मारने दौड़े। इतने में वहां थी पार्वती, पार्वती समझाए, बोले भैया अकबर थोड़ी क्रोध करते हैं, जो कुछ होने पर छोटे भैया है ना, इतना क्रोध नहीं करनी चाहिए। फिर भृगु जी वहां से चल पड़े, बोले कहाँ? बोले वैकुंठ चल पड़े। जब वैकुंठ में पहुंचे, वहां पर भगवान अनंत नाग पर शयन किए हुए थे, माँ लक्ष्मी ठाकुर जी के चरण की सेवा कर रही थी, और सारे देवता शांताकारं भुजग शयनम, सबके सब ठाकुर को स्तुति कर रहे थे। इतने में भृगु वहां पर गए और ठाकुर जी आंख बंद किए हुए थे, कोई बोल चाल नहीं, सीधा ठाकुर जी की छाती के ऊपर मारते लात, जोर से लात मारे। लात मारते ही भगवान नारायण आंख खोल कर देखा भृगु जी, ठाकुर जी खड़े हो गए, भृगु जी की चरण पकड़ लिए। बोले भृगु जी आप मेरे पास में आए हो, मैंने आपको सम्मान नहीं कर पाए, मेरे हृदय तो बड़ा कठोर है, आपका चरण तो बड़ा कोमल है, आपकी कोमल चरण में कोई लगा कोई दर्द तो नहीं लगा, आपकी चरण में तो कोई ठोकर नहीं पहुंचा, कोई व्यथा तो नहीं हुआ। उन्होंने भृगु जी की चरण पकड़ लिए, पकड़ते ही ना इतने में भृगु जी का जो हृदय पानी पानी हो गया, हृदय एकदम पानी पानी हृदय हो गया। बोले भैया अगर जगत में कोई पूजा करने का लायक है, भक्ति करने का किसकी लायक, केवल भगवान विष्णु, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी के पास में थोड़ा गया, थोड़ी सी पिताजी का चरण तो नहीं छुए और ब्रह्मा जी क्रोधित तो होकर मारने के लिए दौड़े। शंकर जी के पास में गए, थोड़ी सी उल्टा पुल्टा बोल दिया, शंकर त्रिशूल उठा लिए मारने के लिए, और कहा भगवान विष्णु के पास में आए और उनके छाती में मैंने प्रहार की, लेकिन ठाकुर जी कोई क्रोध नहीं किया और मेरे चरण पकड़ लिए। बोले आपका चरण में हाथों में चरण में कोई व्यथा तो नहीं हुई, मेरे हृदय तो बड़ा कठोर है। बोले भैया अगर भक्ति करने का कोई लायक है ना, भगवान विष्णु। बोले क्यों? देखो ये चीज को समझो अच्छे तरह से, चीज को दिमाग में बैठा। जब हम किसी को भक्ति करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती होती है। अगर किसको भक्ति करो, किसी देवता को पूजा करो, देखना पूजा में कभी कभी थोड़ी बहुत उल्टा पुल्टा गलती हो जाती है, हो जाती कि नहीं? अगर शंकर जी की भक्ति करोगे कहीं उल्टा पुल्टा हो जाएगी, फिर क्या होगा? संकट बिगड़ जाएगी। रावण का नाम सुने हो? कौन करो रावण का नाम सुने हो? आप बताओ रावण किसको पूजा करता था? रावण किसको पूजा करता था? शंकर जी के ना, उनने 10 बार सर को काट करके शंकर जी को चढ़ाता, इसलिए उनका नाम दशानन हुई है, दशानन। शंकर जी की पूजा करता था,
लेकिन देखो शंकर जी बता रहे हैं हमें, ये ब्रिकासुर का नाम सुने हो? एक ब्रिकासुर था, भस्मासुर जिसका नाम आप टीवी में देखे होंगे। एक समय ये भस्मासुर ने नारद जी के पास में पहुंचे, बोले बताओ जगत में ऐसे कौन सा ठाकुर है जो सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं। बोले एक देवता श्री भोले बाबा, ये सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं। तब उन्होंने भोले बाबा को पूजा करना शुरू कर दिए, यज्ञ करना शुरू कर दिए, लेकिन देखा भोले बाबा प्रकट नहीं होता है, फिर शरीर का मांस को टुकड़े टुकड़े काट काट कर आहुति देने लग गए। देखा तब भी भोले बाबा संतुष्ट नहीं हो रहे, बोले अभी भी संतुष्ट नहीं, सर को पकड़े और काट करके सुहा करने जा रहे थे, शंकर जी प्रकट हो गए। बोले बताओ क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं। इतने में उन्होंने देखा शंकर जी को गांव पास में ना पार्वती, और पार्वती बहुत ही सुंदर थी। अभी भस्मासुर ने देखा शंकर तो दिन भर आंख बंद करके तपस्या करते हैं, और इतने सुंदर स्त्री को ये क्या करेगा लेकर के। कहते पहले ये शंकर को अगर किस तरह मार सकते हैं, फिर तो क्या होगा इसकी पत्नी को पार्वती को छीन सकता हूँ। तब उन्होंने बोले देखो मेरे को ये वरदान दो, जिसके सर पर हाथ रखना वही जल करके राख हो जाए। शंकर तो भोले बाबा, बोले ठीक है तथास्तु। बोले देखो वर तो आपने दिया, परीक्षा कहाँ करे आपका सर के ऊपर। बोले मैंने वर दिया, मेरे सर पर परीक्षा करोगे? बोले किसके सर पर करूँ। शंकर को तो पीछा किया, शंकर तो भगे जी जान लेकर भगे, पीछा नहीं छोड़ रहा था। इतने में शंकर जी भगवान विष्णु को स्मरण किया, प्रभु आप ही रक्षा करो, ये दुष्टों को बार दिया गया था मेरे को मारने के लिए आ रहा। इतने में भगवान स्वयं बालक बन करके आ गए। बोले भैया कहाँ कर क्या कर रहे हो, किसको पीछे भाग रहे हो? बोले शंकर जी वरदान दिए हैं, जिसके सर पर हाथ रखोगे वही जल करके राग बन जाएगा, मैं परीक्षा करना चाहती हूँ, भाग रहे। बोले वो भी पागल और तू भी पागल, दोनों पागल इकट्ठे हो गए। अरे जब से दक्ष प्रजापति इसको अभिशाप दिया ना, इसका वरदान में कोई नहीं रह गया, सब बेकार हो गया है, तभी तो भाग रहा है। उसको पता मैंने जो वरदान किया झूठा दिया है, तभी तो भाग रहा है ना। बोले तेरे सर कहीं चला गया, तू भी अपना सर पर हाथ रखकर पै क्या करो? बोले जल करके राख बन जाऊंगा तो। बोले पागल एक काम कर, ऐसे कर हाथ जलने जलने से पहले पहले तो गर्म हाथ आएगी ना, गर्मी लगेगा तो हाथ घटा देना, हाथ ऐसे करो, ऐसे किया। बोले गर्मी आ रहे हैं? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं हुआ था, नीचे हाथ करो, नीचे हाथ किया। बोले गर्मी लग रहा है? बोले नहीं। बोले और थोड़ा नीचे करो, नीचे किया। बोले गर्मी आ रहे हैं? बोले नहीं। बोले हाथ रखो, हाथ रखा तो वही जल करके राख हो गए। इतने में भगवान विष्णु आए, बोले भोले बाबा जब बर देते है ना, थोड़ी समझ बूझ करके बर दिया करो, खुद बर देकर खुद फंस जाते हो बर में। बोले प्रभु मैं तो भोला भोले बाबा हूँ, जो जैसे मांगता मैं तो दे देता हूँ। बोले भैया सोच विचार कर दिया था, इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, आप जिसको भजन करोगे उसका तो गुण आएगा, इसलिए अक्सर करके देखना शंकर जी की जो भक्ति करने वाले सब राक्षस मिलेंगे, सारे राक्षस मिलेंगे एक एक करके, क्योंकि जिसको भक्ति करोगे उसका गुण तो तुम्हारे अंदर में आएगी ना, उसका गुण में आएगी। इसलिए देखो भगवान विष्णु को जो भक्ति करने वाले को तुलसीदास हनुमान विभीषण ध्रुव प्रहलाद मीरा इन सब भक्तों का नाम देखोगे, भगवान विष्णु को जो भक्ति करने वाले, इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं आप जिसको भक्ति करोगे कुछ ना कुछ गुण तुम्हारी आएगा। भक्ति करते समय थोड़ी उल्टा पुल्टा तुम्हारी होगी, अगर थोड़ी सी उल्टा पुल्टा हो जाएगी फिर लेने का देना बढ़ जाएगा, वो देवादेवी छोड़ेंगे नहीं, पूरा उल्टा रिएक्शन। लेकिन अगर कृष्ण को भक्ति करोगे, राम की भक्ति करोगे, नारायण की भक्ति करोगे ना, जितने तुम्हारी भूल होने पर भी, जितने तुम्हारी गलती होने पर भी, उसका कोई उल्टा रिएक्शन कभी नहीं होगा। क्यों? बोले वो हमारे पिता माता है। अगर बच्चा अगर मैया की गोद में टाटी पेशाब कर दे, मैया फेंक देती ना उसको साफ सुथरा करती है, बोलो मैया उसको साफ सुथरा करती ना, बच्चे को फेंक देती है उसको साफ सुथरा करती है। इसलिए भगवान की भक्ति में कभी अगर उल्टा पुल्टा तुम्हारी हो जाए ना, क्योंकि भगवान केवल भाव को ग्रहण करने वाले, भाव की ही भगवान भूखे हैं और किसी चीज की भूखे नहीं, भगवान केवल प्रेम की भूखे हैं। अगर उनका प्रेम पूर्वक भक्ति करोगे ना, तुम्हारी कोई गलती ठाकुर नहीं लेंगे, तुमको सारे साफ सुथरा करके तुम्हें अपना चरण में स्थान दे देंगे। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी कहते देखो
तुमने जो ग्रंथ रचना की है ये अलग अलग देवा देवियों का महिमा तुमने गाए हो, लेकिन दिल खोल करके भगवान कृष्ण की कथा, राम की कथा, भगवान विष्णु की कथा तुमने नहीं गाई, इसलिए तुम्हें आनंद नहीं मिलता है। अगर तुम पूर्ण शांति पाना चाहते हो क्या करो, दिल खोल करके भगवान की शुद्ध भक्त और भगवान की चरित्र को सुनाओ, भगवान कृष्ण कथा सुनाओ, भगवान राम कथा सुनाओ, ध्रुव प्रह्लाद इनकी कथा सुनाओ, भगवान की शुद्ध भक्तों का कथा सुनाओ, तभी जीवन में तुमको शांति और सुख मिलेगा। तब तुमने और एक बात बता दी, बोले क्या बता दी, बोले देखो संसार करते रहो, संसार करते करते जब बूढ़े हो जाओगे ना, किसी काम की नहीं रह जाओगे, फिर तो एक दो माला कर ले। भैया देखना जितने संसार में जितने बड़े बूढ़े होते जाते हैं ना, संसार में जितना उतना ही ज्यादा आसक्ति, नाती पोती बेटा, आप देखना जितने बड़े बूढ़े होते हैं माया से दूर नहीं होते हैं, ज्यादा माया में फंसते जाते हैं, सारा दुनिया की चिंता चिंता ज्यादा ही चिंता। देखो एक सुंदर स्टोरी सुना, अच्छा ध्यान रख लो, बोले एक समय श्री नारद जी इसी मरते जगत में आए, घर घर में गए, सबसे पूछा भैया ठीक ठाक हो, सबके सब तो सर हिलाए ठीक ठाक, लेकिन अंदर की बात पूछा, देखा दुनिया में कोई ठीक नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बच्चे से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई काम से दुखी, दुखी 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 देखा। और वैकुंठ में गए तो देखा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, बोले ठाकुर जी संसार में इतने सारे जीव दुखी दुखी, कुछ लोगों को वैकुंठ में क्यों नहीं ले आते, कोई चंदन घिसेगा, कोई फूल की माला बनाएगा, कोई साफ करेगा, कुछ लोगों को ले आओ वैकुंठ में ना। ठाकुर जी बोले नारद जी मैंने 24 बार गया, लेकिन एक जीव भी ये संसार छोड़ करके आना नहीं चाहता। बोले प्रभु मेरे को विश्वास नहीं होता, क्योंकि संसार में सब दुखी कोई वैकुंठ नहीं जाना चाहते। बोले मैंने तो बहुत अवतार लिया। बोले ठीक है नारद जी तेरे ऊपर में ये दायित्व देता हूँ, जितने लोग मिले ना पकड़ कर सब वैकुंठ ले आओ। नारद जी बोले प्रभु आज ही वैकुंठ को भर दूंगा, ये वैकुंठ खाली नहीं रहेगा, आज ही भर दूंगा वैकुंठ को। बस नारद जी आए, जब नारद जी आए देखा एक किसान खेती कर रहा था, शरीर से पसीना पसीना बह रहा था, बोले ये तो जरूर जाएगा। बोले भैया वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले उसको पकड़ कर वैकुंठ ले आओ, वैकुंठ जलोगे। किसान ने कहा अपना रास्ता देख, बोले वैकुंठ जलोगे, मेरा अपना बीवी बच्चे संसार दुनियादारी हाँ इनको खेती कर रहा हूँ, इनको मैं पालूंगा, बोले वैकुंठ चल अपना रास्ता देख, खुद का कोई काम नहीं और किसका काम नहीं। और थोड़ी दूर गए देखा कि माता जी कुएं से पानी भर रही थी, बोले ये तो जरूर जाएगी। बोले माता जी वैकुंठ चलोगी, बोले बाबा अभी तो घर में रोटी बना करके आई हूँ, बच्चे रो रहे हैं, अभी कुएं से पानी भरे ले जाऊंगी, सब्जी बना करके बच्चों को खाना खिलाऊंगी पति को, अब बोल रहे वैकुंठ जाने के लिए मेरे पास में कोई समय नहीं। अभी जिन जिनियों को पूछा ना कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। देखा एक बूढ़े व्यक्ति घर के सामने बैठा हुआ 80 साल के, बोले ये तो जरूर जाएगा। बोले बाबा तुम्हारे नाम क्या, बोले कैलाश। बोले वैकुंठ चलोगे, बोले चलूंगा, लेकिन एक काम केवल बाकी रह गई। बोले क्या है, बोले बेटा का सगाई हो गई, अभी शादी होने वाले, बस सारे काम खत्म हो गए, सीधा वैकुंठ चलूंगा। नारद जी ने देखा अभी तक तो कोई जाने के लिए हाँ ही नहीं भरा, कम से कम एक व्यक्ति कष्ट से हाँ भरा, नारद तो पीछे ही पड़ेगा। बोले कब आओ, बोले बेटा का शादी हो जाएगा, सीधा चलूंगा। कुछ दिन बाद में आए, बोले बेटा का शादी हो गई, बोले बाबा बहुत अच्छे तरह से हो गई, घर में बहुत अच्छी बहू आई, सवेरे उठते ही चरण छूती है और घी में चुपड़ी चुपड़ी रोटी खिलाती है और प्यार दबाती, बहुत अच्छी बहू आई है। बोले भाई अभी तो वैकुंठ चलो। बोले बाबा मैंने सुना है अगर पुत्र जन्म देते हैं ना पूत नाम का नरक से उद्धार होता है, अगर बेटा का अगर बेटा देख लो मैंने सुना स्वर्ग होता है। मन में तो सारी इच्छा पूरी हो गई, अभी बहू गर्भवती है, अभी एक बालक जन्म देगा, फिर सब इच्छा पूरी हो गई, बस बालक का मुंह देख करके सीधा वैकुंठ चलूंगा। नारद जी ने देखा एक व्यक्ति तो हाँ भरा, ठीक है। नारद जी कुछ दिन बाद में आते हैं, देखते वो है ही नहीं। बेटा से पूछा भैया पिताजी कहाँ गए, बोले पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। बोले हे भगवान
बड़े कष्ट से एक चेला बनने वाला था, वो चेला भी सिधार गया, लेकिन ये कहीं नहीं गया, जरूर इसी घर में आया, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हे नारद जी, जब जब व्याप्ति शरण भाव त्यजंत अंत कलेवरम तम तम एव कौतेय सदा तद भावित। कृष्ण कहते हे अर्जुन, मरते समय जैसे चिंतन करते हुए मरते हैं उसको ठीक गति गति से मिलता, ये घर छोड़कर कहीं गया नहीं, इसी घर में कहीं ना कहीं जन्म लिया। ध्यान लगाया, देखा सचमुच से घर में कुत्ता बनकर आया, घर में वो कुत्ता बनकर आया। देखो ये आसक्ति कितने जो, इसलिए आसक्त नहीं करना, नहीं तो संसार में भटकते रहोगे। देखना कहते ना दाने दाने में, बोला दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा होता है, जिसको जहां पर भाग्य वहीं पर जन्म लगा। देखना कुत्ते को अब भगाने पर भी घर से भागता नहीं, बोले क्यों नहीं भागता है, उसने भनाया उसका घर है। कुत्ते को भगाने पर भी देखना घर से कुत्ता नहीं भागता, क्यों, उसका घर, उसने घर को बनाया, इसलिए घर से भागता नहीं कुत्ता किस तरह से। दाने दाने में उसका नाम लिखा हुआ है। अभी नारद जी बोले क्यों कैलाश, अभी तो कुत्ता बन गया, अरे अभी तो भजन कर। बोले गुरु जी ये नालायक बच्चा, ये जितने जमीनी जगह पे देख रहे हो, मैंने इसको कमाया, मैंने खेती सब कुछ किया, ये रात में सो जाता है, कौन क्या उठा करके ले जाएगा नहीं ले जाएगा उसको ध्यान नहीं रहता है, इसलिए रात भर मैंने भो करते करते पूरा